लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। CAA, NRC और NPR के विरोध में धरना प्रदर्शन में यहाँ पे आज 31 दिनों से महिलाएं आंदोलित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे घंटाघर लखनऊ में 31वां दिन है, महिलाएं यहाँ आंदोलित हैं। देश के तमाम शहरों से बुद्धिजीवी और कार्यकर्ता आके अपनी जो है राय रख रहे हैं हमारे बीच। आइए हम यहाँ पूछा जाए, घंटाघर में जो लोग आए हैं उनसे कि आप लोग जो है इन महिलाओं को समर्थन देने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है? जी अब्दुल अतीक खां, एक्स चेयरमैन बिस्वा सीतापुर। जी जी नाम बताइए। अब्दुल अतीक खां, एक्स चेयरमैन बिस्वा सीतापुर। जी जी आप जो है कहाँ से आए हैं और आप इनको समर्थन देने का? देखिये हम लोग बिस्वा से चल के आए हैं और ये महिलाएं जो है इनके समर्थन में उतरे हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो काम कर रही थी ये हमारी महिलाएं निकल कर रही है, हजारों लक्ष्मीबाई यहाँ पे बैठी हुई है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि RSS संस्था जो है उसके एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और ये NRC जो लाया गया है उसके इशारे पे लाया गया है और RSS पे पाबंदी लगना चाहिए। कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी लेकिन कांग्रेस की ये शाख BJP पैदा हुई है, इसमें पूरा कांग्रेस का हाथ है। सर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि आप जैसे जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता एक्टिविस्ट जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहिएगा? देखिए ऐसा है, हम लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सबका नुकसान है। देखिए ये तो उनकी एक पहली ये छूनिया जो है इससे उनकी NPR जो है शुरुआत होती है और इसके बाद वो NRC लाएंगे। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि CAA के जरिए भारतीय मुसलमान या किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए भारत सरकार जो कहती है उसके पास ताकत है, कानून है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी झूठी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे सकती है उसके बाद जो है मस्जिद को तोड़ सकती है, तो इस पर विश्वास करने वाला नहीं है। सर पूरा देश आंदोलित है, ठीक है, ऐसे माहौल में आप संविधान पीठ के जजों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हमारा जजों से अपील है कि संविधान जो अंबेडकर जी ने बनाया है उसको कायम रखना है और उसी के अनुरूप उनको देखना है और कार्रवाई करना है। सर अगर जो है आप जिस प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं, कानून का कर रहे हैं, अगर इसमें आपके हक में फैसला नहीं हुआ तो आप लोग क्या प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए ऐसा है, ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी, हिंदू मुस्लिम सभी लोग खड़े हुए हैं और जब तक कि इसको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आइए दूसरे साहब हैं उनसे भी पूछा जाए। जी अपना तारुफ कराइए। मौलाना अनवार हुसैन कादरी, बिस्वा सीतापुर से। अच्छा, आप CAA से क्या समझते हैं? आप CAA से वो कानून जो शहरी कानून के नाम के ऊपर लाया गया नागरिकता देने का, जिसमें तफसील दी है गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं प्रताड़ित किए गए किसी बुनियाद पर और उनको यहाँ पे आ करके नागरिकता दे दी जाएगी, और दूसरे लोग उन 6 लोगों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ के ऊपर एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आखिर इन 6 लोगों को शामिल किया गया और उसमें एक कौम, एक बिरादरी, एक माइनॉरिटीज़ को छोड़ दिया गया, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह गवर्नमेंट बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वो क्या करना चाह रही है। वो इसके ज़रिए से जो आसाम के अंदर हुआ है कि आसाम के अंदर एक मरतबा ये कहा गया कि यहाँ के ऊपर 20 लाख लोग घुसपैठिए आ गए हैं, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये घुसपैठिए आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुस्तान के अंदर बने रहे हैं तो आखिर गवर्नमेंट उनमें से आज तक एक घुसपैठियों को निकालने का काम क्यों नहीं कर पाई है? इसका मतलब ये है
ये घुसपैठिए मौजूद हैं और इनकी निगाहों के अंदर हैं। ये जानबूझ करके एक माइनॉरिटी को, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अकलियत को घुसपैठिया बना करके इनको मुल्क से बाहर करने का ये इंतज़ाम किए हुए हैं। इसके खिलाफ जितना जागरूक हिंदू है, जितना जागरूक मुसलमान है, जितने भी बिरादरी के लोग यहाँ के ऊपर भारत के अंदर रहते हैं, मैं तो कहता हूँ जिन दूरियों को इन लोगों ने आज़ादी के बाद बढ़ाया था, CAA कानून ला करके भारतीय जनता पार्टी ने उन बिरादरियों को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाने का काम किया है, एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किया है। मौलाना साहब, जैसे कि ट्रिपल तलाक में कानून बना, उसके बाद बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, उस वक्त आप लोग आंदोलित क्यों नहीं हुए? आज शहरियत के ऊपर जब हमला हुआ तो आप लोग आंदोलित हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं, 3 तलाक का बिल आया और फैसला हमारे खिलाफ या गवर्नमेंट ने उसको पास करा लिया, हम खामोश रहे। इसी तरीके से तमाम मामलात हुए हमारे खिलाफ, लेकिन जब आँच आ गई संविधान के ऊपर, आँच आई वो जो मुल्क जिससे चलता है आईन के ऊपर, जब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात आ गई, तो इस बात को हिंदुस्तान के हर पार्टी के लोग को समझ लेना चाहिए कि ये आज़ादी के बाद बना हुआ हिंदुस्तान का आईन, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान सब मिल करके जान तो दे सकते हैं, लेकिन आईन के ऊपर आज नहीं आने देंगे। ये थे हमारे बीच जो दूर दराज से आए हुए बुद्धिजीवी लोग, जिन्होंने अपनी राय रखी। 31वां दिन है, लगातार घंटा घर लखनऊ में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का समर्थन हासिल है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, घंटा घर लखनऊ।